हेलो एवरीवन दिस इज पार्ट टू ऑफ चैप्टर ट्वेंटी फाइव की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दिस इज द नेक्स्ट पैराग्राफ कंसर्न ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस इक्वालिटी एंड जस्टिस आर द सेंट्रल थीम ऑफ डेमोक्रेसी इक्वालिटी और जस्टिस मतलब कि बराबर और जस्टिस मतलब जस्टिस मतलब आपको न्याय मिलना ठीक है ये सेंट्रल थीम है डेमोक्रेसी की बोथ दीज टर्म्स आर इंसेपरेबल और ये इंसेपरेबल है मतलब अलग अलग नहीं किया जा सकता इक्वालिटी बिफोर लॉ इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन द आइज ऑफ लॉ एवरी सिटीजन शुड बी इक्वल इरेस्पेक्टिव ऑफ हिस कास्ट क्रीड सेक्स और रिलीजन अगर कोई महिला है या पुरुष या फिर उसका धर्म क्या है उसकी जाति क्या है वो उसका क्रीड कैसा है मतलब कि वो गोरा है काला है कैसा है इन सबको दूर रख कर इक्वल होना ये क्या है डेमोक्रेसी का मीनिंग है ठीक है यानी एवरी सिटीजन शुड बी इक्वल देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनक्वालिटीज़ इन इंडिया बहुत सारी इनक्वालिटीज़ हैं इंडिया में जैसे कि सोशल इनक्वालिटी सामाजिक रूप से डिफरेंट डिफरेंट होना जेंडर इनक्वालिटी जेंडर इनक्वालिटी होना मतलब ये महिला है ये पुरुष है ठीक इनकम इनक्वालिटी इसको कम पेमेंट मिलता है इसको ज़्यादा पेमेंट मिलता है ठीक है अंडर सोशल इक्वालिटी दे आर प्रिवेर द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी और सोशल इलेक्वालिटी में क्या होता है अनटचेबिलिटी होती है मतलब किसी को छूना नहीं है ठीक है द अनटचेबल्स वर डिनाइड एजुकेशन और जिनको आप छू नहीं सकते हो उनको दूर रखा जाता है एजुकेशन से ट्रांसपोर्ट से मेडिकल फैसिलिटीज से एंड इवन द चांसेस टू ऑफर प्रेयर्स इन टेम्पल्स और उनको मंदिरों में प्रेयर करने का भी अधिकार नहीं होता दिया नहीं जाता लोगों के द्वारा सिमिलरली इन आवर सोसाइटी देयर इज अनरल टेंडेंसी टू वैल्यू एंड केयर फॉर द बॉय चाइल्ड मोर देन द गर्ल चाइल्ड मतलब कि हमारी सोसाइटी में ये जनरल टेंडेंसी है कि बॉय की केयर ज्यादा करो बॉय चाइल्ड की मोर देन द गर्ल चाइल्ड मतलब गर्ल चाइल्ड से देयर इज आ रेशो बिकॉज ऑफ प्रेफरेंस टू मेल चाइल्ड ओवर द फीमेल चाइल्ड अब इवन द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इज ओनली फिफ्टी फोर परसेंट एज कंपेयर टू सेवेंटी सिक्स परसेंट मैन और देखो यहाँ पे लिटरेसी रेट कितना है इंडिया में लिटरेसी रेट मतलब पढ़े लिखे लोग कितने हैं फिफ्टी फोर परसेंट है कौन वुमेन मतलब महिलाएं और सेवेंटी सिक्स परसेंट है मैन मतलब कि जो पुरुष हैं उनका परसेंटेज ज़्यादा है मतलब कि पढ़ने के लिए लोग पुरुषों को ज़्यादा भेजते हैं ठीक है थीके? लड़कों को ज़्यादा भेजते हैं आ गवर्नमेंट हैज़ टेकन वेरियस एक्शन टू इंश्योर दैट ऑल पीपल शुड बी ट्रीटेड इक्वली हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे एक्शन लेती है कि सभी लोगों को समान अधिकार मिले द गवर्नमेंट हैज़ मीड स्पेशल प्रोविजन फॉर ग्रुप्स विद इन द सोसाइटी क्या बनाती है ग्रुप्स बनाती है सोसाइटी में दैट आर अनईक्वल मतलब यहाँ पे क्या होता है जो गवर्नमेंट है वो इंश्योर करती है इस बात का कि ऐसा कोई ग्रुप सोसाइटी में ना बने जो कि अनइक्वल ट्रीट किया जाए ठीक द लॉ प्रस्क्राइब्स पनिशमेंट फॉर पीपल हु प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी लाइक वाइज द न्यू टेंस लॉ एक्ट न्यू इनहेरिटेंस लॉ एक्ट के तहत क्या होता है कि जो भी लोग अनबिलिटी को बढ़ावा देते हैं उनको पनिशमेंट मिल सकता है प्रोवाइड्स इक्वल इनहेरिटेंस प्रोवाइड करती है इक्वल इनहेरिटेंस राइट टू डॉटर्स टू देयर फादर्स प्रॉपर्टी मतलब फादर की प्रॉपर्टी पे लड़की का भी बराबर का अधिकार है वाइल्ड स्पेशल क्रिमिनल वुमेन है मतलब कि जो महिलाओं पे अत्याचार होते हैं उनके लिए भी लॉस फॉर्म किए गए हैं ताकि महिलाओं पर अत्याचार कम हो सके क्रिमिनल लॉ ठीक है टू अपलिफ्ट सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ शीड्यूल्ड कास्ट एंड शीड्यूल्ड ट्राइब्स अब सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस को बढ़ाने के लिए किसके शेड्यूल्ड कास्ट और शीड्यूल्ड ट्राइब के ठीक है एस और एस टी के दर्टिन परसेंटेज ऑफ सीट है कुछ परसेंटेज ऑफ सीट्स उनके लिए रिजर्व किया जाता है फॉर देम इन द लोकसभा एंड राज्यसभा लोकसभा में राज्यसभा में एंड इन द लोकल बॉडीज और लोकल बॉडीज में लाइक like, पंचायत एज वेल एज गवर्नमेंट सर्विसेज पंचायत में और गवर्नमेंट सर्विस में प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स टू माइनॉरिटी इन द हॉल ऑफ आर डेमोक्रेसी और यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती हैं वहाँ पे क्या होता है माइनॉरिटीज़ को भी इक्वल राइट्स दिया जाता है माइनॉरिटीज़ मतलब नहीं समझे माइनॉरिटीज़ मतलब जैसे आते हैं जिसमें जैन जिसमें हो गए बौद्ध जिसमें हो गए मुस्लिम्स ठीक है Muslims, ये माइनॉरिटीज़ हैं ठीक है ठीके? तो मेजॉरिटी कौन है मेजॉरिटी है हिंदूस ठीक है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी मतलब जो ज़्यादा लोग हैं वो हिंदू हैं भारत में और जो माइनॉरिटी मतलब कम लोग हैं ठीक है ठीके? जिस धर्म से कम लोग हैं इंडिया में वो कौन है माइनॉरिटी होगा और वो कौन कौन से हैं जैसे जैन धर्म हो गया जैसे बौद्ध हो गए जैसे आपका मुस्लिम्स हो गए ठीक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गिवन सिक्स रिलीजियस ग्रुप नेमली अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सिक्स रिलीजियस ग्रुप्स हैं जैसे कि मुस्लिम्स हो गया क्रिश्चियंस हो गया सिख हो, हो गया बुद्धिस्ट हो गया जैन हो गया पार्सी हो गया द ऑफिशियल स्टेटस ऑफ नेशनल माइनॉरिटीज the constitution recognizes the rights of the minority groups and gives them certain प्रिविलेज टू अब देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब जो हमारा संविधान है वो इनको कुछ स्पेशल राइट right देता है ठीक है जस्टिस एंड इक्वालिटी आर टू लोगोस विदाउट विद डेमोक्रेसी वुड रिमेन मीनिंगलेस एंड डायरेक्शनलेस अब जस्टिस और इक्वालिटी के बिना डेमोक्रेसी क्या है मीनिंगलेस है और डायरेक्शन लेस है सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर आई विल प्रोवाइड क्वेश्चन आंसर आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन ओके सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास थैंक यू